देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जोर शोर से मनाया जा रहा है। वहीं दिल्ली में सभी पार्टियां और सामाजिक संगठन और कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया स्लोगन हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। पूर्वी दिल्ली से मयूर विहार फेस वन से जितेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी में नई नई सदस्यता ग्रहण कर कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए हैं और आज जितेंद्र कुमार ने अपने लगभग 5,000 से 10,000 कार्यकर्ताओं और साथियों के साथ भाजपा के संगठन मंत्रियों के साथ कदम से कदम मिलाकर तिरंगा बाइक रैली निकालने का साहस दिखाया है। ये तिरंगा बाइक रैली पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार फेस वन से लेकर पूरे पटपड़गंज विधानसभा में लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में रैली निकालते हुए वापस मयूर विहार फेस वन में अपने ऑफिस में समाप्त की, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं हर घर तिरंगा के तहत जितेंद्र कुमार भाजपा कार्यकर्ताओं का तिरंगा बाइक रैली का दृश्य। अमृत महोत्सव हमारे देश का 75वां साल का मनाया जा रहा है, जो आज हमारे यहाँ पटपट विधानसभा में जितेंद्र का बड़ा भाई आज जो जितेंद्र के साथ है, जो जन फैलाव है यहाँ का पूरा विधानसभा, इतनी बड़ी रैली आज तक कभी नहीं हुई है। जितेंद्र जी एक समाज सेवी आदमी है, यहाँ पूरे एरिया में जितेंद्र जी का हर कार्य करते हैं, कोई भी आ जाए, कोई भी व्यक्ति के कभी हेल्प, सारी पूरी हेल्प करते हैं वो भाई। आज की जो रैली आज की रैली जन सैलाब रैली है इस विधानसभा में 2024 के मुकाबले, जो भी मोदी जी का ये कार्यकर्ता है जितेंद्र जी, मोदी के कार्यकर्ता है। और इस आज जो है कितने जिलों के लोग इकट्ठे हुए हैं और आज काफ़ी ज़्यादा जन सैलाब देखने को मिल रहा है, कितने जिले हैं और कितने जिलों में आपकी रैली आज घूमेगी? ये पटपट के जो विधानसभा जिला है जो पूरा, इसमें पूरे में घूमेगी। 6 तारीख को जितेंद्र भाई ने बीजेपी ज्वाइनिंग की और कार्यकर्ता के काम से पद संभाला है। सबसे जितेंद्र भाई ने संभाला है, इस ये मुख्यमंत्री का एरिया है और इतनी बड़ी जन सैलाब आज तक कभी नहीं हुआ। 2024 की तैयारी माना जाए इसको, ये 2024 की तैयारी है। और जो जितेंद्र जी ने बीजेपी को कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है और ये मजबूत करेंगे बीजेपी को, इसमें बीजेपी बहुत कमजोर है हमारे विधानसभा में। और जो जितेंद्र जी के आने से जन सैलाब जुड़ गया है, इनके साथ हजारों आदमी आगे आने वाले टाइम में आप आम आदमी पार्टी को टक्कर देंगे? ये आम आदमी पार्टी को कुछ भी नहीं है जितेंद्र भाई के सामने। जितेंद्र भाई के साथ जो एक आवाज़ खड़े कर देंगे, लाखों आदमी इकट्ठे हो जाएंगे पूरे जिले में। जितेंद्र भाई जी का इतना बड़ा नाम है, तो बहुत बड़ा समाज सेवी का आदमी जितेंद्र भाई हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भारत।
बैठ रहा है, जितेंद्र चौधरी का गला भी बैठ रहा है। क्या करना चाहेंगे जितेंद्र जी के लिए? जितेंद्र चौधरी भाई काफ़ी टाइम से जो है ना समाज से भी रहे हैं और सबके साथ दुख दुख में सबके साथ रहे हैं और काफ़ी टाइम से सामाजिक काम बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कोरोना के टाइम पे बहुत से लोगों की डेथ हुई है, उनके बच्चों को उन्होंने हेल्प करी है और हर फील्ड में जाकर उन्होंने अच्छी तरीके से हेल्प की है सब लोगों की। और अब जाके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है और जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है सब लोगों में काफ़ी उत्साह है और सब लोग अपने दिल से जुड़े हुए हैं उनसे। कोई उनके बारे में एक बात निकल के आ रही है आज बाइक एटलीस्ट निकल के आ रही है, इसका पेट्रोल मैनेज किसने किया, पेट्रोल खर्चा कौन उठाया? इसमें पेट्रोल का खर्चा खुद उन लोगों ने इंडिविजुअल अपने आप उठाया है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पेड़ पैसे देके आए हों। सबका दिल से था कि हम भाई के साथ चलेंगे और पूरा बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। लगभग विधानसभा के अंदर अभी कितने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और कितने और आने की उम्मीद रखते हैं? जी इसका तो कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि कितने लोग जुड़े हैं, पर यह है कि वो सब लोगों में जो ना लोकप्रिय हैं और बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी पहले से ही जुड़े हुए हैं और अब तो उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया है तो मुझे लग रहा है और बढ़ चढ़ के लोग जुड़ रहे हैं। वो किसी के भी साथ मतलब आज तक का टाइम है वो व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष रह चुके हैं तो उन्होंने कभी किसी के साथ कोई मतभेद या कोई गाली गलौज या कोई बदतमीजी कभी नहीं की और हंस के और सबके साथ मिल के ही। एक आखिरी सवाल है, ये भाजपा के जो बड़े नेताओं का क्या इनके साथ पूरा पूरा सपोर्ट है? देखो जी सारे लोग दिल से जुड़े हुए हैं, फ्रेंड हैं उनके बड़े नेता भी और जितने भी यहाँ हैं और सभी मतलब उनके साथ हैं सारे लोग। आप एक भाजपा का ये माना है पूर्वी दिल्ली में युवा नेता मिल चुका है? हाँ ये जो भाजपा की
काफ़ी टाइम से एक अच्छे नेता की जो खोज थी वो पूरी हो गई और एक युवा और शिक्षित और संघर्षशील नेता उनको मिला है। क्या नाम बताया आपका? जितेंद्र भाटी।